पंडित जी, माँ विंध्यवासिनी की आरती देख लेने भर से हमारे हमें कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, भारत में एक ऐसा मंदिर है माँ विंध्यवासिनी का जहाँ चार बार श्रृंगार होता है, चार बार आरती होती है। चार बार माता विंध्यवासिनी के मंदिर में आरती होती है। पहली आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, जिसको कहते हैं मंगला आरती। कहते हैं जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। अगर 9 दिनों तक मंगला आरती में कोई सम्मिलित हो जाए तो वो चाहे जितना बड़ा दरिद्री हो, चाहे जितना बड़ा कर्जदार हो, चाहे जितना बड़ा अभागा हो, उसका भी भाग्योदय हो जाता है। लेकिन ये आरती सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होती है। जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। दूसरी आरती जो होती है वो दरबार आरती होती है, जो दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। उस समय पट बंद रहता है। ये आरती देखने का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तीसरी आरती जो होती है वो राजश्री आरती होती है, और चौथी आरती जो होती है वो देव आरती होती है, जो रात में 9:30 से 10 के बीच में होती है। तो चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति इन चारों आरती को देखने से होता है, और जिसमें मंगला आरती और राजश्री आरती इन दोनों का महत्व ज़्यादा है। नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन वहाँ जगह मिलना थोड़ा सा असंभव है। इसलिए अगर जगह न मिले तो विंध्य क्षेत्र में कहीं भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठने पर होगा। माँ के त्रिकोण परिक्रमा मार्ग में, त्रिकोण परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, यज्ञ यज्ञादि क्रिया आप संपन्न करेंगे तो वो माँ विंध्यवासिनी के परिसर में किया हुआ माना जाएगा।